भी शरीर बन के आइए यार, 2 बजे का टाइम है। पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक को बैन किया गया है, वो बेहयाई बताई जा रही है। चूँकि बेहयाई को अगर मेन वजह बनाकर ये टिकटॉक को बैन कर रहे हैं तो ये एक गलत बात है, ये एक बेबुनियाद बात है, ये कोई ऐसा सॉलिड रीज़न नहीं है, ये कोई ऐसी अथेंटिक रीज़न नहीं है कि जिसकी वजूहत पर वो टिकटॉक को बैन कर दें। कोई भी ऐप है इंटरटेन, टिकटॉक पे लोग आते हैं जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए। उस आदमी को बैठ के है जो उस पे लोड करता है, ठीक है ना, उसको खतरा पूरी ऐप। ये ऐप जो है तो एक बहुत अच्छा ऐप है, एक एंटरटेनमेंट का ऐप है। इस ये पाकिस्तान के नौजवान नस्ल को पूरी दुनिया के अंदर मनवाता है, यानी पाकिस्तान के टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने जाहिर करते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बेहयाई वाली बात जो है ये बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है, और इस पर मैं ज़रूर जोर दूंगी और इस बात को मैं बारहा लोगों के सामने, आवाम के सामने और हुकूमत के सामने रखूंगी कि ये कोई मेजर रीज़न नहीं है कि बेहयाई की बुनियाद पर आप किसी भी चीज़ का इस तरह से खात्मा कर लो। ये कोई अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, अगर आप बेहयाई की को सॉलिड रीज़न बनाते हो तो पाकिस्तान में और भी बहुत सारे ऐप हैं। मनफी सोच और मुस्बत सोच रखने वाले लोग हर जगह पर होते हैं। जो लोग मनफी सोच रखते हैं वो हर जगह मनफी प्रोपेगेंडा करेंगे, जो मुस्बत सोच वाले लोग हैं वो हर जगह मुस्बत ही चीज़ें क्रिएट करेंगे। गलती नहीं करेगा या कुछ ऐसा नहीं करेगा तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। गलती का इकरार कर लेने से ही मैं हुकूमत से मुतालबा करने आई हूँ, मैं इमरान खान से बात करने आई हूँ कि खान साहब मेजर रीज़न बेहयाई नहीं है। अगर सिक्योरिटी रीज़न है या पाकिस्तान की और तरक्याती के काम की कोई ऐसी मतलब कोई भी ऐसा मेजर रीज़न है तो हम पाकिस्तान के हक़ में, हम पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान हमारा कंट्री है, हम पाकिस्तान के मतलब ऐसे। लेकिन ये नहीं है कि आप बेहयाई वाली बात को वो करें कि टिकटॉक पे बेहयाई हो रही थी या टिकटॉक बेहयाई की वजह से, ये कोई सॉलिड रीज़न नहीं है। कोई ऐसा सॉलिड रीज़न आवाम को दें ताकि आवाम आपकी बात पे जो है तो वो हो सके।